चलो हाय करो। डुगू सबसे पहले हाय करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और कुछ नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि हम लोग कुछ करते ही नहीं है संडे को भी, क्योंकि हम लोग घर पे ही रहते हैं। ठीक है, कुछ प्लान कर रहे थे बट अभी तो लेट हो गया प्लान के लिए भी। तो बताओ क्या है, डुगू ने आज क्या कांड किया? आज नेल पेंट मेरी तोड़ी, कब तोड़ी पता नहीं चला, मैं काम कर रही थी और इसने ये पूरे हाथ पे लगा के रखी है। देखा, देखा? निकाल लिए। हाँ निकाली, पूरा छपा हुआ था जूते से। हेलो कौन करता है? हेलो करो, बाय बाय। अच्छा बाय बाय कर, चलो ये देखिए इसका हाथ दिखाना चाह रही थी। बहुत निकाल दिया है ये, पकड़ नहीं सकता ये। तो इसने ये मेरी दूसरी नेल पेंट तोड़ी है और मेरी वो नेल पेंट तोड़ रहा है जो मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी बहुत ही पसंदीदा वाली थी, इसने तोड़ दी। और एक मेरी टेक्सचर वाली थी, वो भी इसने तोड़ दी। तो अभी ये थोड़ी देर के लिए नीचे गया था, 15 मिनट के लिए गया है। मेरे को लगा था कि मैं आज थोड़ा सा अपना मेकओवर करूँगी, जो कि मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि पता है 3-4 दिन हो गए सोचते सोचते, पर हो ही नहीं पा रहा। मैं कल ही करती, नहीं हुआ। अब मैं कर दो ना बाबा। हाँ मैं अभी क्या सोच रही थी, अपना मेकओवर करने की, तो मैं करूँगी। तो यार आज तो मैं करके रहूँगी, तो करते हैं कुछ। ठीक है ना, अभी ये देखिए मेरे बालों में सिर्फ इतना ही कलर जो है वो बचा हुआ है। ये बचा है मेरे बालों में कलर, देखो क्या हो गया बेबी। जूता उतार रहा है अपना। हाँ आई थिंक जूता इज नॉट कम्फर्टेबल। उतार रहे, दर्द तो नहीं हो रहा उसके पैर में, है ना? हाँ हाँ, बैठ के लेट रहा है, कुछ कर रहा है। बच्चे क्या बोलते हैं, किसी को कोड लैंग्वेज समझ में आती है तो ना। फाइनली मेरे गाल पे क्या हो गया, ये पता नहीं। अब बैठ रहे पापा, हम लोग जूते से प्रॉब्लम हो रही हो। तो उसके जूते ना नए नहीं है, पुराने हैं यार। और वो बहुत टाइम से पहन रहा था, अभी रिसेंट वो काटना शुरू हुआ, तो स्वेटिंग भी हो रही है और ही इज बिहेविंग अ लिटिल डिफरेंट। क्या हो गया बच्चा? अगर मैं कहीं बालकनी में हूँ और ये मुझे बंद कर दे और खुद अंदर घुस जाएगा। यार ने बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया है। तो क्या हुआ? पूरी कुंडी मारी है उसने अभी। वो मार रहा तो। अगर घर में सिर्फ मैं हूँ और बालकनी में हूँ और बंद कर दे। कहानी बच जाएगी। क्या खा रहे हो? अच्छा। कभी भी कोई प्रेग्नेंट हो तो उससे बिना पूछे कुछ नहीं खाना चाहिए, पाप पड़ता है। अच्छा जी खराब हो रहा है तो ना, समोसे खाने थे मुझे। मैं समोसे नहीं, समोसे खाने थे तो मैंने समोसे मंगवाए और इन्हें भी खा लिए। ये नहीं खाते ऐसे, और जैसे इन्हें पहले खाते थे, ठीक है। इनको ऑयल की स्मेल आ रही थी, इन्हें आधा ही खाया होगा, तो डुगू खा रहा था थोड़ा सा, उसमें से आधा ही खाया। मैंने 3 खाए, इनने आधा खाया। हाँ और फिर नीचे मम्मी पापा को जो है वहाँ पे दिए, मम्मी पापा को दिए, इसको थोड़े बहुत खिलाए। आधा खाने के बाद की तबीयत पूरे तेल आ रहा है। तो मैं दिन में कलर करने वाली थी और पता है इसको आज ये जैसे नीचे जाता है तो कम से कम 1.5-2 घंटे नीचे रहता है। आज ऐसा हुआ कि ये गया है, इसने 20 मिनट के अंदर अंदर में पूपू कर दी। दादा गए हैं नीचे और उसके बाद फिर ऊपर आ गया। फिर हम लोग आए हैं, हम लोग खाना वाना कुछ कुछ खाए, समोसे मंगवा के खाए। फिर मैं और डुगू सो गए, राजा अपने ऑफिस का काम देख रहे थे और हम लोग सोए पड़े थे। और फिर समोसे खाने का इनकी जो तबियत हुई, फिर मेरे को लगा आज तक, क्योंकि मैंने बोला था मैं करके ही रहूँगी, तो मेरे पास स्ट्रीक्स भी है। राजा ये बोल रहे हैं कि उनको भी करना है, तो मैं बोल रही कुछ कर देती हूँ, पर ये डरपोक टाइप के हैं तो इसीलिए। तो रूट से नहीं करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में रूट से सही नहीं रहता है कलर करना। मेरे पास टोटल जो कलर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने अपने स्ट्रीक्स का वाइब्रेंट ब्लॉन्ड, यही मैं राजा को करने के लिए कह रही हूँ, ये मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत प्यारा है। इसके साथ अगर आप कुछ रेड मंगवा लेते हैं ना, तो आपका घर में सॉल्यूशन हो जाएगा। ना देखो ये वाले बोल रही हूँ मैं तुम्हें करने के लिए, देखो आ, आ, आना कराना। ठीक है,
मैं सोच रही हूँ अपने बालों को मैं थोड़ा ब्लीच करके, मेरे पास स्ट्रीक्स का ही ना, देखिए पहले की ये ट्यूब रखी हुई है, ये रेड वाला है, मैंने तो हल्का सा रेड टेक्सचर देना होगा, रेड चाहिए। हाँ तो रेड भी रखें, बस दो रेड भी रखें, लेकिन आपको पहले बाल जो है वो करने पड़ेंगे, फिर रेड भी है ये, उसके बाद मैं तो ये करने वाली हूँ डायरेक्ट, क्योंकि अगर मैं दो कलर अप्लाई करूंगी तो डबल कलर आ जाएंगे मेरे बालों में, और हम एकदम पूरा ब्लीच नहीं करेंगे क्योंकि इससे एकदम ब्लॉन्ड हो सकते हैं, और आपको थोड़ा चेक करता रहना पड़ेगा बीच बीच में, मेरे नीचे के थोड़े एक्स्ट्रा हो जाएंगे ब्लॉन्ड क्योंकि मेरे ऑलरेडी जो कलर है वो लाइट है, तो हम ये यूज़ करेंगे 1:1 की रेशियो। मैंने बायोरेच का एक मंगवा के रखा हुआ है और इसके रिव्यूज काफ़ी अच्छे थे, तो ये दो कलर हम लोग करने वाले हैं मिक्स, ये दो, ये पीछे पड़ गया था यार, इसलिए मैं चाह रही थी कि ये यहाँ से थोड़ा सा उस टाइम पे नहीं रहता जब कलर करते, बट आज उसने कलर छाप लिया तो इसको काम है, तो फॉइल में रैप करते यही है ना, मैं कुछ कर ही नहीं पाती, मैं तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता क्या इंसान। हम लोग पार्टीशन ले रहे हैं, तो जो भी पार्टीशन आप यूज करते हैं वो मैं साइड पार्टीशन यूज करती हूँ। क्या चाहिए राधा के फोन कहीं मिल जाए, ऐसे हो सकता है दोनों आए हुए, मैंने ये ले रही हूँ इसकी हेल्प से, मैं कुछ पार्टीशन लाइक ऊपर की स्ट्रीक से वो दूंगी, वैसे मेरा मन था कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा या पूरा सा ही ले लूँ कि कलर थोड़ा अच्छा आ रहा है, तो यहाँ से मैंने कुछ बाल निकाले, लेट्स डू इट, पर मेरे को रखना है पता है कहाँ, अब यहाँ रखूंगी अभी वो पकड़ेगा, भाई मैं पकड़ ले रहा हूँ उसे, लग गया अच्छे से लग गया, तो यहाँ के कर लिए, राजा ने हेल्प करा दी, अब पता नहीं कैसे आएंगे यार यहाँ के, बहुत दिनों बाद के ना हाथ आपका बैठा रहता है वो हाथ हट जाता है एकदम से, है ना। तो मैंने लगा लिया है, पर अब डिपेंड करता है कि डुग्गू से कितनी देर रहने देता है और मैं कितनी देर रख पाती हूँ, क्योंकि वो कब रोनेगा, रोने लगेगा, कुछ करने लगेगा, कुछ पता नहीं, इसीलिए एक बार देखना पड़ेगा। है ना कद्दू की सब्जी जो है वो कर रही हूँ, क्योंकि लव कद्दू की सब्जी, अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्या हुआ है और क्या नहीं। आर यू रेडी, दिख रहा है इसमें कुछ, रेडी टू पॉन, रेडी टू पॉन ही, रेडी टू सी।
अभी मेरे बाल पूरे ड्राई नहीं हुए हैं, बट मैं भी दिखाती हूँ, वैसे ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, मैं आपको एंडिंग में भी दिखाऊंगी। जब पूरे नेचुरली ड्राई हो जाते हैं ना तो अलग ही समझ में आता है। तो मैंने बहुत ओवर नहीं किया, मेरे को लग रहा था कि थोड़ा मिक्स हो जाए, और मैं इतने ही देर तक वेट कर रही थी कि वो ब्लैक के साथ थोड़ा सा मिक्सर टेक्सचर आ जाता है, क्योंकि इससे पहले मैं फोटो अगर होगी तो मैं इंसर्ट जरूर करूँगी। मेरे एकदम आग टाइप की रहते ना बाल, कि आग उगलने वाले बाल, वो भी कराए मैंने, बहुत अलग अलग बाल करा के। हाँ ना, दिख रहा है ना। तो चलिए एक बार सूख लेते हैं और अच्छे से, है ना, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग। तो कल रात को मैंने थोड़ा सा कलर आपको दिखाया था, उसके बाद मेरे बाल ड्राई हुए हैं और अभी थोड़े ड्राइनेस है बालों में, कलर के बाद आ जाती है, बट हम थोड़े से केराटिन मास्क यूज़ करेंगे और घर में ही सही हो जाएंगे। तो मेरे पास केराटिन मास्क रखा हुआ है, तो वो घर में से आपको दिख रहा है कि हल्के हल्के से ब्रेक हो जाते हैं, बट सही हो जाएंगे थोड़े से उसमें। तो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है मेरे फेस पे, तो लोग चाय बिस्किट खा रहे हैं, मुझे पता बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा चेंज हो गया है ना, बहुत चेंज हो गया, बहुत बोर हो गई थी मैं। ये वाले मेरे को थोड़े से फिक्स करने पड़ेंगे अपने बाल, ऑल दो मेरे पास रेड कलर भी है, मैं रेड भी कर सकती हूँ, मेरे पास एक बहुत ही प्यारा कॉफ़ी कलर भी है, वो भी कर सकती हूँ, बट अभी मेरे को लग रहा है थोड़े दिन ऐसे रहने देते हैं। ये मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरे को पता याद ही नहीं था, मेरे को भी याद आया मेरा बर्थडे आने वाला है। और इट्स लाइक आज कौन सी तारीख है, आज कौन सी तारीख है, 23 जी, नहीं ज़्यादा नहीं है। मैं अपना बर्थडे काउंट डाउन एक महीने पहले से लेती थी, बट अब फिर भी 15 दिन तो है ही। फिर हम लोग की एनिवर्सरी आने वाली है, ओ माय गॉड, वैलेंटाइन डे आने वाला है, और ये हम लोग का मैक्सिमम गोवा जाने का टाइम रहा, याद है, बुकिंग करा दी मैंने, गोवा जाने का टाइम रहता था, बट अब नहीं। तो गोवा की याद बड़ी आती है यार। मेरे साथ क्या हुआ था, हम लोगों के साथ एक बैड एक्सपीरियंस हो गया था, और गोवा में ये हुआ था कि मेरे को नमूनिया हो गया था, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा एक हफ्ते हम लोग और रुक गए थे, लाइक 10 दिन और रुक गए थे हम लोग की गोवा की ट्रिप मिला के, मान के चलिए 20-25 दिन की हो गई थी ना, एंड वी गॉट सो बोर्ड वहाँ पे, इतना बोरियत हो रही थी, इतनी बोरियत हो रही थी कि फिर मेरे को लगा अब मैं गोवा नहीं आ रही बहुत टाइम तक, 20 की बात है। उसके बाद हम लोग फरवरी में आए एंड मार्च में लॉकडाउन लग गया, और पता नहीं ऐसी लगी कि उसके बाद से गोवा हम जा ही नहीं पाए। मेरे बाल तो किए नहीं आपने, कर दूंगी ना, तुम बताओ पहले मेरे कैसे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं, पहले से हटके हैं, कुछ चेंज हो गया, अब इसके बाद रेड ट्राई करना, फिर ब्लू, फिर पिंक, ये सब ट्राई करो ना यार थोड़े थोड़े दिनों के लिए। नहीं मैं उसके लिए एक्सटेंशन क्या है आ जाएगा, एक्सटेंशन क्या मतलब, वो जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होता है, हां ओरिजिनल वाला जल्दी खराब हो जाता है फिर। दादी बुला रही है उसे, अब वो बनियान में घूम रहा है। मेरी तरह गर्मी हो गई, कल रात को मुझे एसी चला रहा, दो तीन दिन से गर्मी हो गई, अब कुछ यकीन नहीं मानेगा, कल रात को हमने एसी चलाया, इतनी अजीब सी गर्मी, बेचैनी हो रही थी, खाई करना चालू कर दे, रुकना रूम बनवाना है यार, टाइम हो गया, हां यार रूम बनवाना है, टाइम हो रहा है, हम लोग का जनवरी था प्लान, फरवरी में बिजी थे हम लोग, हां खाली करना चालू कर दो ना, उस रूम में बहुत सामान है, बहुत, लेकिन रखें कहां, इसी के इतने सारे वो टेबल 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 खोले हुए हैं, सेंटर टेबल, अबे पीछे भी जगह नहीं है ना, दिक्कत तो यही है, पीछे क्या है, आया कौन मेरे साथ, कराया कौन, लड़का क्या है ये कराएगा, इसी है, टीवी है वहाँ पे, और इसका सामान पूरा भार भार जाने क्या क्या आया उस रूम में, रॉकर, एक कॉट, इसका स्विंग, रॉकर कॉट, हाँ स्विंग, हाँ ना स्विंग, वही तो बोलो स्विंग रॉकर कॉट, अच्छा स्विंग बोला है, ओके, और बेड, उसके जो छोटे छोटे बेड थे, ठीक है, मेरे पूरे बहुत सारे कपड़े हैं वहाँ पे, बहुत कपड़े, जम के कपड़े हैं, ठीक है, दो अलमारी भरी पड़ी थी वहाँ पे, एक तो भरी पड़ी है छोटी वाली, बड़ी वाली खोलनी है, और यार बड़ा सामान है। हम लोग प्लान बताते हैं, हम लोग का मन था कि हम जो ये हॉल है इसको हम लोग बेडरूम कर देते हैं, है ना, और क्योंकि हम लोग यहाँ पे इतना आना जाना किसी का है नहीं, है ना, और जिस टाइम बेबी होगा उस टाइम पे आना जाना होगा,
तो भी नीचे है हॉल, और वो वाले रूम में हम सोच रहे थे एक हॉल कर देते हैं कि वहाँ पे कोई भी आएगा तो वहाँ पे सेपरेट हॉल हो जाएगा और वहाँ पे जो भी काम है वो वहीं की वहीं हो जाएंगे। तो वो मेरे को लग रहा था, क्योंकि पता क्या है आगे चल के इन लोग के बेडरूम वगैरह हैं, तो वो मैं सोच रही थी कि जैसा भी रहेगा आने वाले टाइम में होगा, पर अभी फ़िलहाल मेरे को एक रूम की ज़रूरत पड़ेगी। एक रूम जो है वो थोड़ा यार पता स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही है घर में, और हम लोग यूज़ कर रहे हैं 1 BHK ही है ना, हमारा 1 BHK ही चल रहा है। कभी कभी सोना होता है किसी को, कुछ करना होता है, या थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि अभी डुगू मेरे से आप लोग नीचे जगह है स्टोर में कुछ कुछ रखने की, मम्मी के पास नहीं है जगह। नहीं है स्टोर है ही कहाँ मम्मी के पास? अरे कह रहे जो है नहीं है जगह उसमें, तो बच्चे का सामान है ठीक है। अब उसमें रॉकर यूज नहीं कर सकते हम, स्विंग वी कैन यूज ठीक है। अब बेड वगैरह सब नए आएंगे छोटे वाले, कॉट यही वाली यूज हो जाएगी। तो अभी बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग को जल्द से जल्द फिगर आउट करनी है, क्योंकि पता टाइम नहीं बचा, हर दिन एक एक निकलता जा रहा है एंड वी डोंट हैव टाइम, भी हमने सेट नहीं किया है, देखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग तैयार, वैसे हम लोग का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि ओए होए वो चला के वो करो से हाथ धो दो, तो उसमें देखिए पता है वो कपड़े पहनने को तैयार नहीं है, और यहाँ पे पानी के साथ मजाक चल रहा है उसका, उसने बॉटल का पानी गिरा दिया। कपड़े पहन लो चलो आ जाओ तुम, तो मैं उसको नहलाने जा रही हूँ, जैसे मेरे को लगा भी छोड़ देती उसको पहले नहला दूँ मैं। हाँ मैं सोच रही पहले उस रूम को जाके हाल देख लिया जाए, क्योंकि वो जो रूम है मैंने तो नहीं देखा उसे बहुत टाइम से। उस रूम में ना गूगल के लिए स्पेस थी, बोजो उसके साथ रहता था, उसके बाद जैसे ही गूगल गया हमने बोजो को भी अलग कर दिया, क्योंकि हम लोग को पता नहीं मन अजीब सा हो गया उस रूम को लेके। तो जो रूम है वो एज इट इज तब से वो रखा हुआ है, बस वहाँ पे जो स्टोरेज का सामान है वो जाता था, बाकी वो रूम सच में रूम का क्या हाल है तो सच में नहीं मालूम है। तो उस रूम को पहले क्लीन कराना है, पहले सामान निकलवाना है, क्लीन कराना है, और देखना पड़ेगा बहुत गंदी हालत में वो। उस रूम को पूरा खाली कराना है, उसके बाद उस रूम को खाली करने में कम से कम 10 दिन लगने हैं, और जब वो बनेगा तो 15 दिन लगने हैं। बनाने में हमें ज़्यादा झंझट अभी पालनी नहीं, इट्स लाइक ऐसा वाला रूम, और बाकी तो पूजा करानी पड़ेगी यार, मेरे को नहीं वाइब्स आती वहाँ पर अच्छी, यार करना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ दूसरे बच्चे के लिए भी। आ जा तो अपने बर्थडे से पहले पहले वो जो रूम का काम है वो करा लेंगे। एंड मैं अपने बालों को ही देख रही हूँ, मुझे मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, मुझे बस यहाँ से ना हल्के से लग रहा है जल गए हैं ना, पता नहीं बताइएगा आप लोग कैसे लग रहे हैं। बाकी मैंने ये किया था डुगू के टाइम पर, मैंने हाईलाइट्स किए थे, डुगू मैं प्रेगनेंट थी ना तब भी मैंने डुगू के टाइम पर हाईलाइट्स किए थे, देखते अच्छे चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो बताइएगा। और संडे का ब्लॉग था ऐसे थोड़ा बहुत हुआ, मेकओवर हो गया, थोड़े प्लान्स आउट किए, मैं सोचती नेक्स्ट वीडियो।